जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मंडप के नीचे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ना शादी के पहले सुहगली खिलाई जाती हैं। जैसे कि होता है ना, शादी से पहले अम्मा लोग सुहगली खा करके आती थी और वो हम खा लेते थे प्रसाद। तो इसीलिए ना शादी के पहले मंडप के नीचे लड़की बैठ करके उसका कोंछा भरा जाएगा और सुहगली खिलाई जाएंगी। और वैसे तो हमारे यहाँ बांदा साइड ना शादी के बाद ये सुहगली खिलाई जाती हैं, लेकिन अपने प्रतापगढ़ में ना तो अलग है थोड़ा सा, कि शादी मतलब शादी होने से पहले मंडप के नीचे ही खिलाया जाता है। तो हमने सूर्य भगवान को जल दे दिया और देखिए दोनों देवरानी जिठानी कैसे हमारे पैर पकड़े हुए हैं। तो ये है जिठानी देवरानी का प्यार। और सच बताए ना, इतना अच्छा लगता था कि हमको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना पड़ता था। कलर तो हम कभी अपने हाथों से लगाते ही नहीं हैं, यहाँ तो मीना लगाती है लखनऊ में, और वहाँ तो इतनी देवरानियाँ थी कि पूछो नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए पूजा हो रही है, कलश रख दिए हैं, गौरी रखी है, वह मिट्टी की डेली रखी हुई है, पूरा पूजा का सामान है। और जो सुहागनी को कोंछा में देना है वो भी लाई चना और मीठा है। तो ये हमारे यहाँ इस तरह खिलाया जाता है। आपके यहाँ कैसे खिलाया जाता है ये तो हमको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारी नंदरानी के भी कलर लग रहा है। तो हमारे यहाँ इस तरह प्रसाद लगता है, देख सकते हैं। इसको ना यहाँ कूड़ा बोला जाता है। तो इसी तरह थाली में सबको ले लेकर के कोंछा में डाला जाएगा। और यहाँ पर मीना भी आप लोगों से सबसे जय माता दी बोल रही हैं। अब हम सब लोग बैठ गए हैं और वही लड़की पूजा करेगी जिनकी होना है शादी। तो ये हमारी नंदरानी बैठी हुई हैं और पहले इन्हीं का कोंछा भी भरा जाएगा, इसके बाद बारी बारी करके सभी लोग एक दूसरे का कोंछा मंडप के भरेंगे। नीचे ही हम लोग ना प्रसाद खाने के बाद ना यहीं पर चाय भी पियेंगे और माता रानी के गणेश भगवान के सुंदर सुंदर भजन भी गाएंगे, आप लोगों को भी सुनाएंगे। प्रसाद खाने के बाद ना चाय भी पी लिए और यहाँ पर माता रानी के भजन भी हो गए। अब कौन सा गाना गाना है प्रीति? काली तेरी छोटी है घुंघराले तेरे बाल है, काली तेरी छोटी है घुंघराले तेरे बाल है, पहाड़ों वाली मैया तू तो शेरों के सवार है, पहाड़ों वाली मैया तू तो मुझे लगता है मैया जी के लिए मैंने चुनरी मंगाई है, मैया
भजन गाने के बाद ना हम सब लोग लग गए हैं किचन में। तो यहाँ पर पहले बन रही सब्जी, तो पूजा बैठ गई हैं आज चूल्हे के सामने। और पूजा को ना चूल्हा जलाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन सबको देख करके ना उसको भी लग रहा था कि मैं भी चूल्हा के सामने बैठ करके खाना बनाऊं। तो देख सकते कैसे चूल्हा जला रही, हम कह रहे हैं पूजा हट जाओ, लेकिन कह रही है कि नहीं भाभी आज मैं ही सब्जी बनाऊंगी, वो भी चूल्हे में बनाऊंगी। और यहाँ पर सब लोग किचन में भी लगी हुई हैं। और प्रीति क्या बना रही है? तो अभी पोहा बना रही है। तुम्हारा पोहा बहुत टेस्टी है, क्या करें, मंदिर में थोड़ा टाइम लग गया और बगिया वगिया ऐसे ऐसे देखने लगे। अरे बहन तुम किसी दिन और पोहा बनाना है तो पोहा की रेसिपी शेयर करेंगे। तो वो पोहा बड़ा टेस्टी बनाती है प्रीति हमारी। और प्रीति के गाइस देखिए कितने सुंदर है कान के, वाओ। आज ना हमारी पूरी नजर ना इसके कान के, क्या बोलते हैं इनको, झुमक, झुमक तो नहीं है, बिजली है, बिजली है। अरे वाह, तभी तभी तो बिजली की तरह चमक रहे हो। सुहागन खाने के बाद ना सबको इतनी ठंडी लग गई थी कि वो मंडप के नीचे। ए बेटी पोहा खाया कि नहीं? खाने जा रही, खाने जा रही। टेस्टी है, अभी खाए नहीं हो? अरे वाह, हमारी नंद रानी ना सुबह से ना कितनी सज संवर जाती है, बिल्कुल हीरोइन है, हीरोइन। हे पूजा चूल्हा नहीं जलत का? चूल्हा जलाओ वाली देवरानी लाग गया है। ए देखा पुष्पा जलाइए चूल्हा, फुकनिन से फूकिया ठीक। वाह प्रीति तुम्हारी चाय तो बहुत टेस्टी दिख रही है, अदरक वाली बना रहे हो। यस यस यस। सो गाइस हम भी बैठ गए हैं पूजा के पास ही, हम सोच रहे थे कहीं ये चूल्हे में जले वले ना, तो हम इसको देखते जा रहे हैं और इसको बताते भी जा रहे हैं कि चूल्हा कैसे जलाया जाता है। वैसे इनका मायका ना बॉम्बे ही है और बॉम्बे में लोग रहते भी हैं, तो कभी इसने ना चूल्हे में खाना ही नहीं बनाया, तो इसको क्या कुछ आइडिया ही नहीं है कि चूल्हे में कैसे खाना बनाया जाता है। वैसे हमने भी नहीं बनाया, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना हमको आने भी लगा है और यहाँ तो बनाते ही हैं। तो यहाँ पर सब्जी देखिए कैसे बना रही है। अब इसमें ना प्याज ये डाल रही है, प्याज अच्छे से भुनेंगे। और वैसे भी ना चूल्हे में जब सब्जी बनती थी ना तो बहुत ही टेस्टी बनती थी। कोई भी खाना अगर आप चूल्हे में बनाओ ना, रोटी और दाल चावल सब्जी जो भी बनता था, इतना टेस्टी बनता था कि ऐसा हम लोग गैस में बनाते हैं ना, बट ऐसा नहीं बन पाता है। और यहाँ पर सब लोग धूप भी लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि पूजा अच्छी सब्जी बनाना। वैसे खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी और पूरा मसाला ना इन्होंने पीस करके ही डाला था। आलू गोभी ना पहले तेल में ही तल लिया था और यहाँ पर मसाला को ना अच्छे से भून रही हैं। मसाला भूनते भूनते ना जब चारों तरफ से तेल को छोड़ देगा तभी आप समझ जाइए कि आपका मसाला भून गया है। इसके बाद जो तला हुआ आलू गोभी सब रखा हुआ है उसको सब डाल रही हैं। और सच बताएं इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, कितनी बार बताएंगे आप लोगों से, आप लोगों के मुँह में ना भी पानी आ गया होगा। और देख सकते ऐसे भून, हमको भी ना चूल्हे का खाना बहुत ही पसंद है। जब भी हम मायके जाते हैं ना तो भाभी लोगों से कहते हैं कि चूल्हे में ही खाना बनाइए, ज़्यादातर ना भरता रोटी खाते हैं मायके में। अब इसमें डाल रही पूजा नमक, नमक डालने के बाद ना पानी थोड़ी ही डालेंगी और हम टमाटर काट लेते हैं, टमाटर ना बाद में ही डाला जाएगा। और यहाँ पर हमारी चाची जी क्या बना रही, मगज के लड्डू बना रही हैं। कुछ ना इनका सब अपना चलता रहता है, भगवान जी के लिए भोग के लिए बना रही हैं। अब हम बना रहे हैं चावल, तो चावल में ना पहले इतने बड़े भगोने में पानी बॉयल हो गया था, इसके बाद इसमें चावल डाल रहे हैं। वैसे दो तीन दिन से ना चावल थोड़ी ख़राब हो जा रहा था, कुकर में सही से पक नहीं पा रहा था, तो चाची बोल रही थी कि आज ना भगोने में ही बनाओ। तो हम कह रहे थे भगोने में चावल बनाना ना तो हमको बहुत ही ईजी है और बना भी लेते हैं, लेकिन चावल हमारा ना अधिक हो गया था वॉइस ओवर करते हुए आप लोगों से बता दें, और सही से पक भी नहीं रहा था। लेकिन हमने दो भगोने में ही पलट लिया चावल और एक को हमने रख दिया गैस में पकने के लिए, एक को हमने चूल्हे में ही पका लिया था, लेकिन अच्छे से पक गया था। और हमारी छोटी वाली चाची जी अपने काम में लगी, प्रीति इधर गूंद रही आटा। और इसी तरह मिलजुल करके ना सब पूरे अपने काम इतने जल्दी हो जाते थे। और अपने मायके में ना तो खाना बनाने वाले हलवाई आते हैं, लेकिन हम लोगों को ना अपने ससुराल में अच्छा लगता है, सब देवरानी जेठानी इस तरह मिल करके बना लेते हैं और एक दूसरे से ना सीख भी मिल जाती है। जिसको चूल्हा जलाना नहीं आता उनको भी आ रहा है थोड़ी थोड़ी करके। अब सबको खाना खिलाने के बाद ना हम लोग फ्री हो गए हैं, तो थोड़ी हमने सोचा किचन को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो चाय बनती है और गैस है, पूरी किचन है, चाय में ना इधर कितना भी सफाई करो लेकिन जब काफ़ी लोग रहते हैं ना तो
तो ऐसा होता ही रहता है। और शादी वाले घर में तो साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब हम यहाँ किचन में लगा लेते हैं झाड़ू और इसके बाद थोड़ी अपने कपड़े भी चेंज करेंगे, क्योंकि होता है ना पूरा सुबह से लेकर के दोपहर तक में ना, तो ये भारी साड़ी अगर पहन लो ना तो इतनी मिट्टी लग जाती है और हमको ना फिर लगता है कि कपड़े चेंज ही कर लो तो ज़्यादा ही सही है। और ये टाइम भी ना 4:30 बज गए थे और आंगन में सब बच्चे बैठ करके मौज मस्ती कर रहे थे। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने बुआ को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ये बच्चों की पार्टी देखिए, ये क्या है खा रहे हो तुम लोग? बार बार जीरो और पांच पांच। क्या खा रहे हो खुशी? लैया नमकीन। नमकीन खा रहे हो? अरे वाह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्यों? ये सब हमारे बच्चे तो सब हम लोग ना फिर से रोटी सेंक रहे हैं क्योंकि रोटियां हमारी कम पड़ गई थी, काफ़ी गेस्ट आ गए थे। और इसके बाद ना अभी हम लोगों को गुजिया भी बनाना है। गुजिया बनाते बनाते ना आप लोगों को ना भजन और जो भी यहाँ गीत होते हैं वो आप लोगों को सुनाएंगे। और सबके यहाँ मौज मस्ती चल रही है। ऐसा होता था ना ठंडी में ना थोड़ी खाना भी अधिक लगता है।